आरक्षण लागू कर। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं सीकर, जहां पर कांग्रेस की चुनावी सभा को इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। अश्विनी डॉक्टर हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और सांसद गोपाल सिंह जी जिला साहब, तमाम उपस्थित हमारे यहाँ पर बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हमारी महान नेता सोनिया गांधी जी का हार्दिक स्वागत करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस चुनाव का वक्त है। सोनिया जी हमेशा राजस्थान के प्रति जो उनका स्नेह है वो आपको एहसास इस बात का मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी राजस्थान में अकाल पड़े हों, सूखे पड़े हों, शेखावटी में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, किसी क्षेत्र में, तो राजीव गांधी जी थे, तब भी सोनिया जी उनके संग आई थी। 3 दिन तक लगातार दौरे किए थे सड़क मार्ग से। दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार सड़क मार्ग के दौरे करके अकाल और सूखे के वक्त में सुख दुख पूछा हो, ये मिसाल नहीं मिलती है। इस प्रकार से हमें साथ से ही राजस्थान को कैसे दुख सुख में साथी बने, राजीव गांधी ने इतिहास बनाया था उस जमाने में, जो इमदाद दी थी वो भी एक बेमिसाल थी। इसलिए आज वो महान नेता हमारे बीच में आई हैं, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। उनके संदेश हम सुनेंगे और संकल्प लेके जाएंगे कैसे हम 1 तारीख को कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार को आप कामयाब करें, सरकार पुनः कांग्रेस की बने, जिससे जो योजना हमने बनाई है अभी 5 साल में शानदार जो काम किए हैं, 5 साल में जो हमारी उपलब्धियां हैं, पानी को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, सड़कों के जाल बिछाने को लेकर के और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम को लेकर के, वो भी मिसाल है। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए और आज पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है। ये हमारे लिए गौरव और गरिमा की बात है, प्रदेशवासियों के लिए भी। इसे मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी वाले, उससे आपको सावधान रहना है। मैं उन तमाम आरोपों को खारिज करता हूँ, क्योंकि चुनाव का मौका है, उनको शासन सौंपा प्रदेश की जनता ने। आपने देखा, वो शासन नहीं था, कुशासन था। किस प्रकार से उस वक्त में भ्रष्टाचार हुआ, पूरे देश के बॉम्बे से लोग आते थे, किस प्रकार से यहाँ पर संस्थागत करप्शन किया गया, बदनामी प्रदेश की हुई, किस प्रकार से निर्वाचित जातियों को पानी मांगने पर कितनी बार फायरिंग हुई, आपको मालूम है। इसी जिले से, इसी सीकर से ही मुझे याद है कि जब घर्षण अरावला में किसान लोग पानी की बात कर रहे थे, और इसी सीकर में जब मीडिया वालों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को कि पानी की समस्या है, पानी का आंदोलन चल रहा वहां पर, तो मुझे कहते दुख है कि लोकतंत्र में अहम घमंड काम नहीं आता है। लोकतंत्र में बात सुननी पड़ती है, बुला के बात करनी पड़ती है, धरना दो, प्रदर्शन करो, काले झंडे बताओ, उनकी बात को सुनकर के हल निकालना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है। उसकी बजाय क्या गया, अरे वो किसान नेता, चाहे वो हेतराम बेनीवाल हो, चाहे वल्लभ कोचर हो, चाहे वहां के स्थानीय लोग हों, अरे वो गुंडे लोग हैं, असमय तत्व, कोई पानी की समस्या नहीं है। और गोली चली, 6-7 किसान मारे गए। फिर सोयला के अंदर टोंक में पानी मांगा बिशनपुर का फायरिंग हुई, 5-6 लोग वहां मारे गए, एक महिला मारी गई, 7 महीने का बच्चा पेट में था। मेरी याद है आज भी, उस पर भी सोनिया गांधी जी आई थी टोंक सोयला के अंदर, गांव गांव में एक एक घर में घूमी, बरसात भयंकर आ चुकी थी, गलियों में पानी भर चुका था, उसी परवाह नहीं की सोनिया जी ने, हम सब साथ थे, गगन में जाके सांत्वना दी थी। 90 लोग मारे गए, 21 बार गोली चली, 70 गुजर मारे गए। इस बार भी हमारे वक्त में ही गुजर समाज ने आंदोलन किए, रेल पटरियों में बैठे, धरने दिए, 5 साल आप देख रहे हो लगातार, जिस किसी ने धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो, हमने बुला के बातचीत करी, समझाइश करी, और 5 साल में चाहे रेल पटरियों में बैठे हो, चाहे आंदोलन किया हो, पुलिस की फायरिंग बात छोड़ो,
लाठी चार्ज नहीं होने दिया राजस्थान के, नहीं मैं कहना चाहूंगा। इस रूप में सुशासन देने का जो संकल्प किया था, संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने का, वो हमने पूरा करने का प्रयास किया, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे भी हमने कहा है कि प्रकार के आने वाले वक्त के अंदर जीरो डिस्क्रिप्शन, जीरो का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। सोनिया गांधी जी ने हमें प्रेरणा दी थी 2 साल पहले, हर सरकार या कांग्रेस की है राज्यों में, देश के अंदर मुख्यमंत्री के पास में, मंत्री के पास में सब विवेक अधिकार कोई होना ही नहीं चाहिए किसी को फेवर करने के लिए। हमने लागू किया राजस्थान के अंदर, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया इस बार जीरो डिस्क्रिप्शन जीरो करप्शन। हम प्रयास करेंगे करप्शन के अंकुश लगे, उसकी लिए किसी को तकलीफ नहीं आए, और जीरो हेरेसमेंट, जो परेशानी आपको होती है गांव में, तहसील में, जिले में, प्रदेश में, उसके लिए हमने कानून बनाया है, लोक सेवा गारंटी एक्ट बनाया है, सुनवाई का अधिकार का कानून बना दिया है। हमारा प्रयास शुरू हो चुका है, हम चाहेंगे कि नई सरकार कांग्रेस की बने, वो कानून इस रूप में लागू हो जिस वास्तविक रूप से आम नागरिक को लाभ मिले, परेशानी नहीं उठाना पड़े, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में कहने को बहुत सारी बातें हैं, हमने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, और मुझे दुख होता है कहते हुए जिस प्रकार विपक्ष के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं उन योजनाओं की जो आज वरदान साबित हुई है, फ्री दवा की योजना हो, जांचें फ्री हो, एक्सरे खून के जांच हो, चाहे वो डायलिसिस फ्री कर दिया हमने, और मैंने कहा कि अगर बस चलेगा तो MRI के CT स्कैन के जो डेंगे टेस्ट होते हैं 5-5 हज़ार लगते हैं, 6 हज़ार लगते हैं, वो भी सरकार फ्री करेगी राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब उसको अगर वसुंधरा जी कहती जहर पिला रहे जनता को, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप उन दवाओं को जो वरदान साबित हो रही है उनको आप जहर पिलाना बता रही हैं, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा आने वाले 1 तारीख को। हमने पेंशन योजना लागू करी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, निस्तजनों के लिए, इसलिए कि घर में कोई बहन बेटी आ जाए तो बुजुर्गों को अपनी बहू से पैसा नहीं मांगना पड़े, अपने पास से 50 रुपये 100 रुपये दे सकती है बहन बेटियों को, सदाशियों को। उसके लिए कह रही है वसुंधरा जी, रेवड़िया बांटे सरकार, रेवड़िया बांटे रेवड़िया हैं, ये सम्मान पेंशन है, ये आज हमने वित्तीय प्रबंधन किया है, खजाना भरा है, व्यापारी वर्ग से उद्योगों से पैसा इकट्ठा किया है, टैक्स का अच्छा प्रबंधन किया हमने, वित्तीय प्रबंधन, खजाना भरा है, आज हमारी हैसियत होगी देने की विदेशों के अंदर, दुनिया के मुल्कों में, ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया के मुल्क जो विकसित राष्ट्र है वहाँ 30-40 साल पहले से पेंशन होती थी, वीकली पेंशन मिलती, साप्ताहिक। हमने प्रयास किया इस रूप में, जो योजना हम लेके आए हैं, अभी पहले 1 रुपये किलो अनाज देते थे हम लोग गरीबों को, सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत करवाई है मनमोहन सिंह जी क्या करके, जिसमें आज सूचना का अधिकार के बाद में रोजगार का अधिकार, नरेगा का, शिक्षा का अधिकार दिया गया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, और भूमि अधिग्रहण एक्ट, आप बताइए किसानों के हित में, किसानों के बिना पूछे हुए बिना मर्जी के पहले की तरह कोई सरकार कोई उद्यमी अपनी भूमि का अधिग्रहण नहीं करवा सकेगा, इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। एक तरफ तो एक के बाद एक ये कदम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों के पास में कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत कहने का नहीं है, कभी गौ माता के नाम से राजनीति करी, कभी राम मंदिर के नाम से राजनीति करी, आज फिर लोग देख रहे हैं किस प्रकार से भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको सावधान रहना है, आज 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो बाजरा मक्का, 3 रुपये किलो चावल, इतने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, इसे मैं कहना चाहूँगा। कृपा करके आप लोग इस चुनाव के अंदर, हमने कह दिया चुनाव के बाद में जो APL BPL है, जो पैसे वाले हैं उनको छोड़ करके सबको हम लोग 35 किलो अनाज फ्री देंगे राजस्थान के अंदर, ये हमने घोषणा कर दी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के लोग
जो आरोप लगा रहे हैं, इस प्रकार हमें प्रचार कर रहे हैं, आपको सावधान रहना है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको एक एक वोट की कीमत है। आपको सबको मिलकर के हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को आपको उनको आशीर्वाद देना है, समर्थन देना है, उनको कामयाब करना है। हमारे भवरू खांडी खड़े हैं फतेहपुर से, हमारे से उम्मीदवार खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के जो आदेश हैं कि नाम लेने के लिए हमेशा मना कर रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा सबको मालूम है कौन को खड़े हैं।